गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं सुबह छत पे आई हूँ और थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बेड पे पड़े पड़े अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये देखें, ये मेरा चंपा का प्लांट है जो कि कटिंग से मैंने लगाया था। और इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है, 8 बजे का टाइम हुआ है लेकिन फिर भी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मैं एक साइड में बैठ करके ये वीडियो बना रही हूँ। और ये देखें, करी लीफ का प्लांट है, नीम, मीठी नीम जिसे बोलते हैं, इसको मैंने लगाया था, बीज से ही लगाया है मैंने इसको। और ये हल्दी का पानी मैंने तैयार किया है, और रेन लिली के बल्ब्स हैं, उन्हीं को मैं रिपोर्ट करूँगी, उन्हीं को थोड़ा सही करूँगी क्योंकि पौधे थोड़े ख़राब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको अलग अलग करना है। तो मैंने रिपोर्ट करने के लिए इस तरह से सारी मिट्टी कल ही इस तरह से टेरेस पर डाल दिया था, और जिससे कि ये थोड़ा धूप लग जाएगा इस पर तो कीड़े उड़े जो होंगे, फंगस होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से ये देखें, सारे रेन लिली के बल्ब भी मैंने एक साइड में रख दिया है जिससे इस पर हल्की धूप लग जाएगी। और इतने सारे रेन लिली के बल्ब, एक छोटे से जो थर्माकोल का आता है ना, ये देखें इस तरह से एक पैकेजिंग में आता है, वॉशिंग मशीन आई थी उसी में से ये निकला था, तो इसी में मैंने होल नीचे बना लिया था और इसी में रेन लिली के कुछ बल्ब लगाए थे जो कि अभी कितने सारे हो गए हैं। तो रेन लिली का और उसके बल्ब जो हैं साइड से निकल निकल के बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं, जिसे आप एक से और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो रेन लिली को आप पूरे टाइम तक तो ये डॉर्मेंसी में रहते हैं, लेकिन बारिशों के टाइम में इनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत फूल निकलते हैं। और ये बारिशों के टाइम में होता है, इसी का नाम इसीलिए इसका नाम रेन लिली पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये गोबर की खाद है जो कि पूरी तरह से कंपोस्ट हो चुकी है, डिकम्पोज हो गई है और बहुत ही भुरभुरी है, ब्लैक कलर की। तो इसे मैं गांव से लाई थी अपने। और ये देखें, थोड़ा सा पर्सलिन की कटिंग भी है, उसको भी मैं लगाऊंगी। और ये बजरी उजरी थी, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे वहाँ हुआ था ना, तो वो पड़ा हुआ है, तो उसी को मैं किसी भी पॉट के ड्रेनेज होल पर रख करके उसका यूज़ करती हूँ। और 1 से 2 इंच तक इसमें मैं ढेर सारा लगा देती हूँ क्योंकि रेन लिली के रूट्स बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं। और ये देखें, पर्सलिन की कटिंग है, पर्सलिन गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, तो उसकी छोटी छोटी कटिंग लेकर के मैं इन सभी में लगा दूँगी। और ये हल्दी पाउडर है और इससे फंगस नहीं लगते हैं और मिट्टी में जितने भी प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। तो ये घर का पिसा हुआ हल्दी है, घर में मैंने हल्दी की गांठें लेकर के उसको पिसवा लिया था, तो इसलिए बहुत ही प्योर है, मार्केट का नहीं है। और इसमें पूरी इसी तरह से मैं डाल दूंगी, और जो लिक्विड भी बना के रखा है पानी में उसमें डिप करके जितने भी रेन लिली के बल्ब्स हैं उसको फिर मैं लगा दूंगी। इसी तरह देखें, इस तरह पानी में भी डाल देंगे। तो हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं पौधों के लिए, उसकी मिट्टी के लिए। ये देखिए, राइस हस्क मैं बोरियों में भर के रखी हूँ, और मैं कोको पीट नहीं यूज़ करती हूँ, या तो सैंड यूज़ करती हूँ या फिर ये राइस हस्क। राइस हस्क धान की भूसी होती है, जब धान को छिलका निकल जाता है तो चावल निकलने के बाद जो छिलका बचता है वो भूसी होती है धान की, उसी को राइस हस्क बोलते हैं। तो इससे ये होता है कि जो सॉइल होती है बहुत ही वेल ड्रेन होती है, बहुत लाइट होती है, बहुत ही एयरी होती है, जिससे कि जो पौधे हैं उनकी जड़ें हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाता है, और बहुत ही उनकी जड़ों का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो इसको मैं अच्छे से पूरा मिला लेती हूँ, और इस तरह से मिट्टी भी हमारी बहुत ही अच्छी बन जाती है, धीमे धीमे ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं और उसके बाद ये भी खाद बन जाते हैं। तो यही सब वेस्ट मटेरियल मैं मिला करके अपना जो भी है मिट्टी तैयार करती हूँ, सॉइल तैयार करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा छत पे जो टेरेस पे वेट नहीं लगता है, कि मुझे ये फील नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा वेट टेरेस पे डाल रही हूँ। और ये देखें, ये सारे रेन लिली के बल्ब्स हैं, ऐसे ही लहसुन प्याज की तरह होते हैं ये, इन सभी को ऐसे डिप कर दूंगी जिससे कि जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी फंगस वगैरह होंगे, पहले तो इस पर सनलाइट पड़ गई है, उसी से जो भी इनमें जो फंगस वगैरह रहे होंगे, जो भी प्रॉब्लम रही होगी थोड़ी कम हो गई होगी। और उसके बाद इस तरह से अगर हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं तो फंगिसाइड कोई भी हो वो भी डाल सकते हैं। और मैं ज़्यादातर जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तो उस प्लांट को थोड़ी देर के लिए फंगिसाइड या फिर हल्दी के पानी में डाल देती हूँ। और ये देखें, इस तरह से थर्माकोल के बॉक्स में ये ईंट टुकड़े और सब चीज़ों का ऐसे डाल दूंगी।
जिससे कि ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से वो रहे, इसमें पानी भी एक्स्ट्रा ना रुकने पाए। और बारिशों के टाइम में होगा तो अगर इसमें ड्रेनेज होल सही नहीं रखेंगे ना, तो पानी जो है वो सारे आपके प्लांट्स को सड़ा देगी, ख़राब कर देगी। तो दोस्तों वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा टेरेस पे प्लांट्स नहीं रखती हूँ, मेरा ज़्यादातर जो होता है बालकनी में ही नीचे रहता है, लॉन में ही रहता है। लेकिन टेरेस पे इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि इतने बंदर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं और पूरा पौधे ही डैमेज कर देते हैं। तो कुछ पौधे रखती हूँ, उसमें से ये रेन लिली भी है और चंपा का प्लांट है और कुछ एक प्लांट है। तो इस तरह से आप देखें रेन लिली के बल्ब ऐसे ही लगाए, कोई भी बल्ब वाले फ्लावर्स ऐसे ही लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी में इनकी जड़ें नहीं जाती हैं और ना ही इनको पूरी तरह से इनके बल्ब ढकने चाहिए। इस तरह से एक एक करके लगा दें। अब इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है और जो भी बचे हुए हैं वो दूसरे पॉट में भी शिफ्ट कर दूंगी। तो अब नेक्स्ट ईयर देखिए अगर इसमें से और भी बहुत ज़्यादा इसमें रेन लिली के बल्ब निकल आएंगे। इस तरह से ऊपर से भी थोड़ा डाल दूंगी और सारे जो बल्ब से अच्छे से सेट कर दें। तो रेन लिली वैसे कई कलर का आता है लेकिन ये मेरा पिंक कलर का रेन लिली है और ये पूरे साल आपके उसी गमले में रहता है। इसकी पत्तियां हरी रहती हैं, पतली पतली होती हैं। बारिशों के टाइम में इनको बहुत ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो ये फंगस लग सकता है, इसका बल्ब ख़राब हो जाता है। और ये देखें इस तरह से आप सबको लगा दें। और इनकी पत्तियाँ जो है मैं जब इनका सीज़न नहीं होता है तो मैं कट करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो लटक जाती हैं और सारा जो है एनर्जी इनकी पत्तियों में चला जाता है। इसलिए मैंने पत्तियों को इनकी काट दिया है और जिससे इनके बल्ब की ग्रोथ बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो ये देखें इस तरह से मैंने एक तैयार कर लिया है। उसके बाद हल्दी वाला वही पानी जिसमें मैंने डिप किया था वही पानी भी डाल दूंगी। तो इस तरह से ये मेरा एक काम हो गया। फ्रेंड्स तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन घर में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो इसी छोटे से काम को निपटा दूं। और ये देखें ये भी ये पेंट का एक बाल्टी है, बकेट है जिसमें पेंट हुआ था वो बचा था, तो मैं इसमें भी इसको लगा दूंगी। पहले इसमें मैंने करी लीफ का प्लांट लगाया था लेकिन उसको बड़े गमले में शिफ्ट करने के बाद अब ये रेन लिली के बचे हुए बल्ब या फिर इसमें अभी पर्सनेल लगा लूँगी। हाँ पर्सलिन लगाना सही रहेगा क्योंकि बल्ब जो है वो दूसरे एक जो कैरी बैग आता है झोले जो सब्जी लेते हैं उसमें मैं जो एक्स्ट्रा रेन लिली के बल्ब्स हैं उसको लगा दूंगी। तो पर्सलिन की भी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं, पर्सलिन भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, 1 से 2 इंच की कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं। और पर्सलिन गर्मियों का ही फ्लावरिंग प्लांट है और सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है। इसकी केयर अगर करेंगे पर्सलिन की ना तो ये परमानेंट रहने वाला प्लांट है, आपके पूरे साल आपके बगीचे में आपके घर में रहेगा। लेकिन उसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, कभी कभी उसमें मिली बग्स लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या फिर सर्दियों में या बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से वो गल जाते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे ना तो इनकी स्टेम ख़राब हो जाती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। अब इतनी छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगा देंगे ना, कहीं से ले आएंगे तो बड़े आराम से 1 हफ्ते के अंदर इनकी रूट्स निकल आती हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से आज मैंने ये सब काम निपटाया है। और कितनी भी तबीयत ख़राब हो दोस्तों, पौधों के पास आके बैठने या उनका काम करने से थोड़ा अच्छा लगता है। और मेरे साथ तो यही होता है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे प्लांट्स लवर होते हैं ना, वो अगर तबीयत भी ख़राब हो जाती है, भगवान ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो, लेकिन भाई इंसान है, शरीर है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और मुझे फीवर जैसा हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं टेरेस पर ज़रूर आती हूँ, कितनी भी तबीयत ख़राब हो मैं अपने पौधों को ज़रूर देखती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें पर्सलिन लगा दिया है और इसमें पानी डाल देंगे वही हल्दी वाला पानी जो है। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद करती है पौधों के लिए, हल्दी हो गया, दालचीनी पाउडर हो गया, ये सब फंगस लगने नहीं पाता है। इस समय मेरे पास फंगिसाइड ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं फंगिसाइड ही डालती हूँ। और इस तरह से ये देखें आप लग गया है और इसकी ड्रेनेज होल इतना अच्छा है ना कि थोड़ी ही देर बाद ये सारा पानी इसमें से बाहर निकल आएगा और प्लांट्स में हमारे जो गमले में बहुत ज़्यादा पानी ठहरेगा नहीं। तो दोस्तों आप भी इस पर्सलिन की कटिंग को लगाइए और अपने पौधों को रिपोर्ट करते रहती रहिए, उनको डिवाइड करिए, चाहे कटिंग से करिए चाहे जैसे भी करिए। और ये देखें इस तरह से ये झोला है जो कि सब्जी उब्जी ले आते हैं तो थोड़ा कट पिट गया था तो उसी में लगा दे रहे हैं।
तो इतने सारे प्लांट्स होते हैं ना, और मैं एक एक प्लांट की कई कई वैरायटी को बढ़ाती जाती हूँ, कोई कटिंग से, कहीं बल्ब से डिवाइड करके, चाहे जैसे भी, तो पॉट की कमी हो जाती है और कटिंग वगैरह लगाने के लिए भी मैं इसी तरह के छोटे मोटे जो होते हैं, पॉट हो गए, कंटेनर्स हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गया, उसी का मैं यूज़ करती हूँ। और छोटे छोटे पौधे जिनकी जड़ें नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा, उन सबको, तो इससे ये होता है ना, टेरेस पर लोड भी नहीं पड़ता है हमारे, और हमारा ये वेस्ट भी मटेरियल भी यूज हो जाता है। अब कम खर्चे में गार्डनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। प्लांट से प्यार करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम फालतू के खर्च करें। आप अपनी क्रिएटिविटी से आप अपना शौक भी पूरा करें, फालतू के खर्चे भी ना करें, और वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी हो जाएगा, पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा, और हमें जो खुशी मिलती है तो वो हमें मिलेगी ही। और आप इस तरह से प्लांट्स की जो कटिंग है या ऐसे करके आप अपने दोस्तों, नाते रिश्तेदारों, पड़ोसियों, किसी को भी दे सकते हैं, और इस तरह से हम पर्यावरण में योगदान कर सकते हैं। और किसी को भी बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट देना, गिफ्ट पाना, तो प्लांट्स मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई और गिफ्ट ना देना, मुझे प्लांट्स कोई अच्छे अच्छे दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और थोड़ा आज तबीयत ख़राब होने के नाते थोड़ा सा डल फील कर रही हूँ, नहीं तो अच्छा लगता है इस तरह से आपसे बात करना, आपके साथ शेयर करना। ये देखें, इस तरह से मैं नर्सरी बैग्स आते हैं जो प्लांट्स ले आती हूँ, वो भी फेंकती नहीं हूँ। और कोशिश करके आप भी ना फेंकें, कोई भी कटिंग हो या सीड कोई ग्रो करना हो वो लगा सकते हैं आप। इसमें देखें, अब मैं सिर्फ एक एक जो है बल्ब रेन लिली का लगा करके, और इस तरह से कुछ टाइम के बाद कोई पॉट खाली होगा या कोई पॉट बनाऊंगी, देखूंगी। ग्रो बैग भी मैं बोरियों को काट करके, और जैसे मार्केट में मिलता है ना ग्रो बैग ग्रीन कलर का, तो उसी तरह से मैं बोरियों की भी कटिंग करके और सिलाई करके ग्रो बैग तैयार कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और ये देखें, आपका ये ग्रो बैग तैयार हो गया, छोटा सा कैरी बैग जो है, नर्सरी बैग, इसी में लगा दें, इस तरह से कटिंग लगा दें। ये देखें, इन सबको भी मैंने पानी डाल दिया है, सब पानी नीचे ड्रेन हो गया है। ये देखें, मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट है, इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली लग जाती है। ये देखें, इसी तरह से ग्रो बैग मैंने बनाया है बोरियों से, इस तरह से सारे प्लांट तैयार। ये देखिए, ये ऑयल कंटेनर है, उसको भी कटिंग करके मैंने, टीन जो होता है, इसमें चंपा का प्लांट लगा दिया है। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। चंपा भी बहुत आसानी से लग जाने वाला प्लांट होता है कटिंग से। तो इस तरह से वेस्ट का यूज करके, और ये देखें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग का करने का मज़ा ही अलग है। कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना, घर के जितने भी किचन वेस्ट हैं, घर की जितनी भी बेकार चीज़ें हैं, उस सब का यूज़ करके गार्डनिंग करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। और कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ ज़रूर करें, मुझे मैसेज करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।